अरे सारा दिन किताब में पड़ी रहती है, देख तो सही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ हाँ देख रही हूँ माँ, हर एक दिन आएगा कि तेरी बेटी भी आसमान छुएगी, देखना तू। देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी बातें करती है। तभी पड़ोसन आ जाती है। ये ले लता, तेरे मुंह से बात निकली और सच भी हो गई, तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे देख तो लड़का कितना सुंदर है, अमेरिका में रहता है। लता यूं पसंद आ गई इन लोगों को। अरे वाह क्या लड़का है, बिल्कुल राजकुमार। लेकिन अभी कहाँ लता की शादी होगी, अभी तो वो पढ़ रही है ना। अरे पता है उन लोगों को इसकी पढ़ाई से भी कोई परेशानी नहीं है, कह रहे थे लड़का तो बाहर ही रहता है, ससुराल में बेटी बनाकर रखेंगे, फिर आप लोगों की इकलौती बेटी है, सोच लीजिए। माँ बाप भी पड़ोसन की बात में आ जाते हैं और फिर लड़के वाले आ रहे हैं, बोल रहे थे कुछ बात करनी है। अरे शादी को 2 दिन रह गए हैं, क्या बात करनी है, सारी बात तो हो गई थी। लता की माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे आप भी ना, पहले ही अशुभ सोच लेते हो, आने तो दो उन्हें। फिर क्या, लड़के के माँ बाप घर आते हैं और होता वही है जिसका डर था। वो क्या है ना, अचानक मेरी बेटी के घर वालों को बाहर जाना पड़ रहा है विदेश, अब उसे सेटल करने में इतने पैसे लग गए कि शादी के लिए अब एक पैसा नहीं है, तो क्यों ना शादी सिंपल ही कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, शादी सिंपल कैसे करें, हमारी तो सारे मेहमानों को न्योता जा चुका है, आपके भी तो रिश्तेदार होंगे। हमने तो किसी को नहीं बताया। आपके दामाद को सेट आप लोग क्यों कर रहे हैं, वो सेट नहीं है क्या, आपने शादी कर दी बेटी की और क्या कर सकते हैं। अरे कैसी सोच है आप लोगों की, बेटी की शादी कर दी तो क्या गंगा नहा लिया, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप लोगों की ये सोच है तो हम नहीं करेंगे आपके घर शादी हमारे बेटे की, पता चला कल को बेटी को कोई मुश्किल ही आए तो आप लोग तो अभी से हाथ झाड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन शादी सिंपल भी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, हमने जब किसी को नहीं बुलाया तो आप लोग क्यों, और वैसे भी खाना खा पी कर सब चले जाते हैं, रह क्या जाता है, सिर्फ शादी का कर्जा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लता की शादी के लिए तो हम बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं। लड़की के पिता खड़े हो जाते हैं और देखिए अब पैसे खर्च करने का शौक ही है तो कहीं और देख लीजिए लड़का। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 2 दिन तो बचे हैं, हमारा तो कार्ड बुकिंग सब हो गया, बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, कल को तुम्हारी लड़की परेशान रही तो क्या करोगी। आप चुप रहिए, हमें मंजूर है, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। चलिए कम से कम कोई तो समझदार है इस घर में, और हाँ ये लीजिए। लड़की की माँ को एक कागज पकड़ाती है। ये क्या है। अकाउंट डिटेल्स हैं, जो पैसे हम लोगों ने शादी से बचाए हैं आप लोगों को वो इसी में डाल देने हैं, वो क्या है ना बच्ची के भविष्य के लिए काम आएंगे ना। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पिता को गुस्सा आता है। मैं किसी भी हालत में इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा, एक नंबर के लालची लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि लता की शादी है परसों और आप आज ये बोल रहे हैं। तभी वो पड़ोसन आती है जिसने शादी तय कराई थी। वो क्या है ना बहन जी, कोई काम हो तो बता देना, लड़की की शादी है तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल, इन्हें सारे रिश्तेदारों के नाम और नंबर की लिस्ट दे दो, बोलो फोन करके बोल दे कि शादी में आने की जरूरत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये बोलकर गुस्से से पिता अंदर चले जाते हैं। क्या हो गया माँ, पापा परेशान से क्यों हैं। वो क्या है ना बेटा, तेरे होने वाले सास ससुर आए थे, कह रहे थे लड़की की शादी में क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, मंदिर में सिंपल सी शादी कर लेते हैं। वाह माँ कितनी अच्छी सोच है, अच्छा ही तो है। वैसे भी माँ मेरे जाने के बाद आप लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए, सब तो मेरी पढ़ाई और शादी में लगा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माँ मेरे ससुराल वाले। और नहीं तो क्या, रिश्ता किसने चुना है। सभी चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ लता को कुछ पता नहीं चला, और उसके मन में उसके ससुराल वालों की इज्जत भी पड़ गई, वैसे भी पैसे उसी के तो काम आएंगे। खैर शादी का दिन भी आ जाता है और शादी वाले दिन वर को बुलाइए पूजा करनी है।
अरे पूजा करने के लिए दान तो दीजिए। वाह बहन जी, बड़ी तेज है आप, पंडित जी से दान लेंगी क्या? अरे नहीं नहीं, लड़की की माँ को बोलिए कि लड़के को मंडप में बिठाने से पहले लड़के के माँ बाप को एक एक हरे नोटों की गड्डी दे दे। लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। जितना बोला जा रहा है करिए ना पंडित, नहीं तो बोले तो किसी और पंडित को ले आऊं। अरे अरे कैसी बात कर रही है, नहीं नहीं अभी मैं कह देता हूँ। पास खड़ी लता की सहेली सब सुन रही थी। गड्डी? कैसी गड्डी? सारे पैसे तो इन लोगों के अकाउंट में डाल दिए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कम से कम कैश तो कुछ चाहिए ना, पूजा पाठ में खर्चा तो होता ही है। ये लीजिए, ये पैसे मैं ले आई थी। लेकिन ये पैसे तो। अरे कोई बात नहीं, आप दे दीजिए ना। लाइए लाइए गड्डी मुझे दे दीजिए, वो क्या है ना, बर पूजा मेरी ही तो है। अरे चुप कर, शादी हो रही है, जरा जबान काम खोल, समझा? लड़की की माँ सारा पैसा लेकर बैठ जाती है। फिर लड़के के पिता पंडित की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी आ नहीं सकी, लेकिन उसका सोने का सेट और लड़के की माँ का सोने का सेट वो दे दीजिए। वो क्या है ना, ड्राइवर हाथ के हाथ लॉकर में रख देगा। ड्राइवर कौन पापा? और लॉकर ये तो मुझे नहीं बताया था। अरे तू फिर बोला, शराब पीकर सोता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लड़की का पिता माँ बाप को सोने का सेट भी दे देता है कि लड़के की माँ। अरे बहन जी, आपने जो सेट पहना है वो क्या हीरे का है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये मेरी सास का है। यानी आगे तो आपकी बेटी का ही होगा। एक काम करिए ना, ये हार अभी मुझे दे दीजिए और आप ये सोने का रख लीजिए। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे वाह, कैसी आप, बेटी की शादी कर रही है और सस्ता महंगा देख रही है। पास खड़ी लता की सहेली सब कुछ लाइव अंदर बैठी लता को दिखा रही थी। फोन से लता अपने होने वाले ससुराल वालों की सारी हरकतें देख रही थी कि तभी पंडित कहता है, कन्या को बुलाइए, और हाँ कन्या के मंडप में आने से पहले 1,00,000 रुपया लड़के के हाथ में रखिए। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे। ये तो अच्छा है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आए, नहीं तो यहाँ बेइज्जती कराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी लता आ जाती है, पास उसकी सहेली खड़ी होती है और उसके हाथ में फोन होता है। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, अभी थोड़ी ही देर में पुलिस भी आती होगी। तभी पुलिस आ जाती है और लड़की वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग तो जाने माने ठग हैं, इनका काम ही है शादी करके लोगों को लूटना। ये लड़का 10 शादी पहले भी कर चुका है, और आप लोग कैसे माँ बाप है, लड़की को बिना सोचे समझे ऐसे लालची लोगों के हाथ में सौंप रहे थे। वो तो भला हो लड़की का जो सही समय पर उसने हमें फोन कर दिया। पुलिस उन लोगों को ले जाती है। माँ पापा, मैं बोझ नहीं बनूंगी, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जो पैसे आप लोगों ने उनके अकाउंट में डाले थे वो भी मैंने आप लोगों के अकाउंट में वापस ट्रांसफर करवा दिए हैं, और ये रहे बाकी के गहने और रुपये। ये बोलकर लता वहां से चली जाती है।